पक्ष में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज पर एनसीबी की छापेमारी को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। दरअसल एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया है कि लग्जरी क्रूज लाइनर पर पड़ी एनसीबी की रेड फर्जी थी और इस दौरान ड्रग्स नहीं मिले थे। नवाब मलिक ने छापेमारी के दौरान एनसीबी के दल के साथ दो लोगों को भी मौजूदगी पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें से एक व्यक्ति मनीष भानुशाली बीजेपी का सदस्य हैं। अपने दावे से समर्थन में नवाब मलिक ने कुछ और वीडियो भी और फोटोज भी जारी किए हैं। एनसीपी नेता ने कहा है कि वीडियो में आर्यन खान के साथ चल रहा व्यक्ति एनसीबी का अधिकारी नहीं है और उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल के अनुसार वह कुआलम्बमपुर में रहने वाला एक निजी जासूस है। मलिक ने आरोप लगाया है कि इसके अलावा एक अन्य वीडियो में दो व्यक्ति इस मामले में गिरफ्तार अरबाज मर्चेंट को ले जाते दिख रहे हैं और इनमें से एक बीजेपी का सदस्य है, उसका नाम मनीष भानुशाली है। उन्होंने कहा कि यदि ये दोनों एनसीबी के अधिकारी नहीं हैं तो वे हाई प्रोफाइल लोगों आर्यन और अरबाज मर्चेंट को क्यों ले जा रहे थे। मलिक ने कहा है कि बीजेपी दरअसल एनसीबी का इस्तेमाल लोगों, महाराष्ट्र सरकार और बॉलीवुड को बदनाम करने के लिए कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि एनसीबी उन लोगों को निशाना बना रही है जो बीजेपी के खिलाफ है। एनसीबी नेता नवाब मलिक ने एनसीबी पर एक और आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि एनसीबी जबरन वसूली गिरोह चला रहा है और लोगों को परेशान कर रहा है। कांग्रेस नेताओं ने भी वीडियो जारी कर दावा किया है कि गिरफ्तार लोगों को ले जाया जा रहा है और बीजेपी के कार्यकर्ता ले जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि गोवा जा रहे पोत से शनिवार को कथित रूप से नशीले पदार्थ बरामद करने के बाद एनसीबी ने अब तक बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। उधर नवाब मलिक के आरोपों को लेकर एनसीबी और मनीष भानुशाली ने सफाई दी। मनीष भानुशाली ने कहा कि एनसीपी नेता नवाब मलिक ने उन पर गलत आरोप लगाए हैं। बीजेपी का इस गिरफ्तारी से कोई लेना देना नहीं है। भानुशाली ने कहा है कि उन्हें 1 अक्टूबर को सूचना मिली थी कि एक ड्रग पार्टी होनी है, यही जानकारी देने के लिए वो एनसीबी अधिकारियों के साथ जहाज पर थे। वही मुंबई में एनसीबी के डिप्टी डीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने एनसीपी के आरोपों पर कहा है कि अगर इस मामले में एनसीपी अदालत जाना चाहती है तो वो जा सकती है, हम अदालत में जवाब देंगे, हमने सब कुछ कानून के अनुसार किया है। ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा है कि एनसीबी मुंबई की टीम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल ग्रीन गेट मुंबई और कार्डिलिया क्रूज पर छापा मारा था और कोकीन चरस MDMA जैसी ड्रग्स के साथ 8 लोगों को हिरासत में लिया है। उन्होंने कहा कि एनसीबी के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे द्वेष और पूर्वाग्रह से ग्रसित है। एनसीबी दोहराता है कि हमारी जांच पेशेवर और कानूनी रूप से पारदर्शी और निष्पक्ष है। उन्होंने कहा कि जांच आगे भी जारी रहेगी। और चलिए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ और तफसील से चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव जी हैं जो कि स्पोक पर्सन है एनसीपी के। बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही हमारे साथ विनोद वाघ जी जुड़ गए हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी महाराष्ट्र के। सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा बृजमोहन श्रीवास्तव जी आपसे है सर, इस पूरे मामले को आप किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि मामले की जांच आगे भी जारी रहेगी। एनसीपी भले ही कह रही हो लेकिन फिर भी एनसीबी की रेड पर अब सियासत भी हो रही है कि आखिर किस तरह से ये रेड की गई। अब कहीं ना कहीं सवाल महाराष्ट्र सरकार पर, बीजेपी पर भी खड़ा हो रहा है, सियासत इस पूरे विषय पर हो रही है, कैसे देखते हैं इसे आप? सर एक बार आपका प्रश्न आपको बोलना पड़ेगा सही से, इस पूरे मामले को फिलहाल आप कैसे देखते हैं अभी? इस पूरे मामले को इस प्रकार से देखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ये वसूली गेम है जो एक्सपार्शन का काम कर रहा है एनसीबी के माध्यम, और तो हम लोग ये एक आतंक फैलाने का तरीका है जो कि पब्लिसिटी हंग्री ऑफिसरों ने बनाया है, क्योंकि वो पब्लिसिटी हंग्री होने के कारण अपने आप को एक हीरो के रूप में पेश कर देते हैं और उस हीरोशिप की आड़ में फिर ये कुछ ना कुछ गलत गलत काम करते हैं और उसमें इनके माध्यम बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेता है जो मनसुख
और ग्रहण। अगर नवाब मलिक ये कहते हैं कि जो क्रूज पर रेड पड़ी थी वो फर्जी थी, तो इसे सर किस तरह से देखा जाए? इस दौरान कोई ड्रग्स नहीं मिले थे, नवाब मलिक ये भी कह रहे हैं। मैं एनसीबी ने अभी तक वहाँ पर जो रेड किया पेश नहीं की है, साथ ही साथ जो वहाँ से सीजर हुआ है उस स्थान पे सीजर हुआ ही नहीं है। दूसरी बात यह कि इन्होंने पब्लिसिटी ये की कि पहली बार देश के अंदर बीच समुद्र में हम एक नार्कोटिक्स गैंग का पर्दाफाश करने वाले। सच्चाई ये है कि शिप तो पोर्ट पे ही खड़ा हुआ था, टर्मिनल पे ही खड़ा हुआ था, शिप ने तो सेलिंग शुरू नहीं की। जब इन्होंने वहां पे नीचे लोगों को पकड़ लिया है, उसके बाद इन्होंने उनको परमिशन दे दी, दो रोज तक वो शिप पूरा समुद्र में घूमकर और वापस 4 तारीख को लौटा है, तो ये शिप पे कुछ हुआ ही नहीं है। ये टोटल एनसीबी ने स्टोरी प्लान की, क्योंकि ये पब्लिसिटी के हंगरी लोग हैं और उसके माध्यम से ये एक्सटॉर्शन का काम करते हैं, लोगों को डराना धमकाने का काम करते हैं और उसमें माध्यम बनते हैं। किरण और मनीष भानुशाली जैसे लोग उनका ये उपयोग कर रहे हैं। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि महाराष्ट्र सरकार किसी प्रकार से बदनामी हो और बॉलीवुड के ऊपर एक ऐसा दबाव डाला जाए जिससे कि बॉलीवुड के जो इस समय के बेरोजगार वो जो फिल्म हीरो हैं अक्षय कुमार जैसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, उनको काम दिलाने का एक दबाव पैदा किया जाए, ये इनकी पूरी तौर से साजिश है और इसी साजिश के तहत ये सारा काम चल रहा है। हम आरोप लगाते हैं और कहते भी हैं इस बात को खुल के, अगर एनसीबी ने इन लोगों को ठीक ढंग से पकड़ा है, ठीक ढंग से गिरफ्तारी हुई है, तो उसकी वीडियोग्राफी पेश करें पेश के सामने। ये क्या बोलते हैं कि आप कोर्ट जाइए, हम जानते हैं इस बात को कहने के पीछे कारण क्या है। देखिए सरकारी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए उनके ऊपर के अधिकारी होते हैं, सीबीसी होता है, क्योंकि यह पैसा सिले के ऊपर तक जा रहा है, इसलिए इनको बात है कि अगर हम इनके अधिकारियों को शिकायत करेंगे तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये कोर्ट की धमकी दे रहे हैं। हमारा कहना यह कि हम जनता की अदालत में बात करेंगे। ठीक है, अदालत में ठीक है, ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। विनोद वाघ जी, एनसीपी का कहना है, महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार और बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश है बीजेपी के। राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस किसको बचा रही है, यही मुझे उनसे सवाल पूछना मैं चाहता हूँ कि वो बार बार किसे बचाना चाहती है। एनसीपी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है, बीजेपी का उसका कोई सवाल नहीं, वो केंद्र के स्तर में काम करती है इसलिए बीजेपी के हिसाब से काम करेगी, ऐसी कोई बात नहीं। वो स्वतंत्र एक जांच एजेंसी है, वो उनके हिसाब से काम करती है और जो कोई भी गलत काम करेगा उसको रोकने का काम एनसीपी यहाँ पे जरूर करेगी। अब क्रूज पे जो कुछ हुआ है उसके बारे में डिटेल एनसीपी ने पूरी जानकारी वहां पे बता दी है। अगर ये चाहते हैं कि उन्होंने कुछ गलत किया, वो कार्रवाई गलत ढंग से हुई है, तो ये कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट में जाकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अगर यहाँ पर नवाब जी मलिक रहो या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रहो, उनके सब लीडर और सब नेता यहाँ पर किसको बचाना चाहते हैं ये सवाल यहाँ पर पूछना जरूरी है। क्या शाहरुख खान का लड़का उसमें पकड़ा गया, उसको बचाने के लिए ये सब कोशिश की जा रही है जी? आज तक किसानों को ज्यादा बारिश के कारण किसानों का जो नुकसान हुआ उसके लिए यदि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सामने बात जिसकी हो रही है, मनीष भानुशाली की बात हो रही है, एक व्यक्ति मनीष भानुशाली बीजेपी का सदस्य ऐसा कहा जा रहा है, और क्या वाकई ये बीजेपी का सदस्य है क्या? मनीष भानुशाली ने वहां पर बताया है कि जो कुछ इन्फॉर्मेशन उसे मिली थी उस इन्फॉर्मेशन के चलते हुए उन्होंने एनसीपी को सब वहां पर बात बता दी थी कि वहां पर क्या क्या हो रहा है, वो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली थी। कोई साहब से कोई सुभाष के गवाह है, बाकी वो बीजेपी का कार्यकर्ता है या कोई भी हो, भारत का हर कोई यात्री, भारत का हर कोई इंसान जो कुछ इस देश में घट हो रहा है उसके खिलाफ में आवाज उठा सकता है, चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता रहो या कोई भी रहो, हर एक इंसान को वो अधिकार है तो उसके ऊपर आवाज उठाई जाए। उस क्रूज पे जो कुछ गलत हो रहा था, ड्रग्स की सप्लाई हो रही थी, राजा शरद अपू वो सबकी उसकी पार्टी हो रही थी, उसके बारे में भानुशाली को कुछ तो भी जानकारी थी और वो जानकारी उन्होंने एनसीबी को वहां पे बता दी और वो साथ से एनसीबी ने कार्रवाई की, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर इस देश का नागरिक होने के नाते देश में कुछ गलत हो रहा है तो रोकना जरूरी है और हर एक नागरिक का फर्ज बनता है और हर एक नागरिक को निभाना चाहिए वहां पर। ठीक है ब्रिजमोहन जी, सवाल ये भी है कि बीजेपी दरअसल एनसीबी का इस्तेमाल कर रही है, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि एनसीबी को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रही है, महाराष्ट्र सरकार को अपने खोपचे में लेना चाहती है, यानी कि अपने अंडर लेना चाहती है, दबाव बनाना चाहती है,
क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि जो तमाम सरकारी एजेंसियां हैं उसका इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है? इससे पहले आप आरोप लगा चुके हैं सीबीआई को लेकर, अब एनसीबी को लेकर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, क्यों सर? नया जी, सीबीआई के ऊपर आरोप खाली हमने नहीं लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये केंद्र सरकार का तोता है और हम उसी बात को फिर से कहते हैं कि सीबीआई वो तो इस सरकार में नहीं है ना सर, वो तो हर सरकार में है। फिर सीबीआई तो आज कौन है वहाँ? आज तो भारतीय जनता पार्टी, इससे पहले तो आप थे, इससे पहले तो आप भी थे ना, है तो उस समय, वो उस समय तो तोता नहीं थी। तो यही हमारा कहना है कि इन सारी एजेंसियों को इंडिपेंडेंट किया जाए अभी, यानी कि आप जब केंद्र में रहे हैं तो आपने भी इन तमाम एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया है। मैडम किया है तो इसलिए तो हम लोग सत्ता से बाहर चले गए। तो ये आप मानते हैं कि आपने आप मानते हैं, आप मानते हैं किसी वो गलती ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं? आप मानते हैं ब्रजमोहन जी निश्चित रूप से हमारे खिलाफ बोल के आए थे ना, इन्होंने तो इन सारी बातों को उठाया था? नहीं, उन्होंने उठाया नहीं उठाया उसको छोड़ दीजिए, लेकिन आपने आपने सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया। इसका क्या मतलब है कि ये भी गलत काम करेंगे क्या? जनता ने इनको इसलिए चुन के भेजा कि ये भी गलत काम करें? आपने तो किया था ना, हटाया क्यों था? आपने किया था या नहीं किया था? हमें हटाया क्यों था? इसलिए हटाया ना कि हम जनता के अनुरूप काम नहीं कर रहे थे, कानूनों के अंतर्गत काम नहीं कर रहे थे। तो क्या इनको सत्ता इसलिए मिली है कि गलत काम करें? यानी कहना है, यानी कि आप मानते हैं, आप मानते हैं कि आप लोगों ने गलत इस्तेमाल किया सरकारी एजेंसियों का? अरे मैडम मानना क्या, हम सत्ता से बाहर हो गए, इसको मानने के लिए और क्या चाहिए? ये तो सर्टिफाइड है, हम लोग क्यों पावर से बाहर गए? इसलिए पावर से बाहर गए और यही काम, और ये कहकर आए थे कि हम इनका रोकेंगे, ये उसका हिस्सा बन गए, ये उससे एक कदम आगे चले गए। हमारी पार्टी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी जांच एजेंसी के साथ पार्टी का सदस्य पालर पकड़ के लोगों को लेकर आ रहा हो, पार्टी का सदस्य वहां पे खड़े होकर फोटो खिंचवा रहा हो, पार्टी का सदस्य खड़े होकर मोल भाव कर रहा हो, ये कभी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक गैंग बना दी है, वसूली गैंग, जो इस प्रकार का एक्सट्रॉर्शन करके, मतलब आपको ये लग रहा है कि आपने अगर सरकारी एजेंसी का गलत इस्तेमाल किया है और जो दूसरी राज्य सरकारें हैं उन पर दबाव बनाया है, तो यानी कि बीजेपी भाजपा भी ऐसा ही कर रही है, आपको ऐसा लग रहा है? उससे ज्यादा कर रही है, मैं ये कहना चाहता हूँ, उससे ज्यादा कर रही है। ये अपने कार्यकर्ताओं को वहाँ पे उनके साथ खड़ा करके अपना विंडेस, जो इनकी नाराजगी है उसका बदला ले रहे हैं। आप मुझे बताइए भानुशाली के वहां पे बैठ जाने की क्या जरूरत थी? क्यों वो कालर पकड़ के घूम रहा था? क्यों किरण का कालर पकड़ के घूम रहा था? एनसीबी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि इन लोगों को लेकर उसने छापा क्यों डाला, इनकी भूमिका क्या है और एनसीबी के अधिकारियों से इनका क्या संबंध है, किस प्रकार से ये नेगोशिएशन कर रहे हैं? मैडम आप बात समझिएगा, ये लोग आज महाराष्ट्र में एनसीबी का चेहरा बन गए, ये दोनों लोग। अगर आज किसी को कोई परेशानी होगी एनसीबी से, किसी को यदि कोई सुविधा चाहिए, तो उन्हें मालूम है कि ये दो लोग ऐसे हैं जिनके माध्यम से हम एनसीबी के अधिकारियों को समझा सकते हैं। ये हाल में हम लोगों ने देखा परमवीर सिंह के मामले में क्या हुआ, परमवीर सिंह ने भी इस तरह से सचिन वाजे को खड़ा कर दिया था, वही काम भाजपा कर रही है और हम ये आरोप लगाते हैं और हम कोर्ट में जाने वाले नहीं है। हम जो आरोप लगा रहे हैं, अगर आरोप तो विरोध जी आप बहुत लग रहा है, लेकिन विपक्षी ठीक है हमारे खिलाफ ठीक है सिद्ध करें कि हमने धक्का बोला है, ठीक है, वो क्यों नहीं बताते, वो क्यों नहीं वो वीडियोग्राफी पेश करते जो कह रहे हैं हमने पुरुष के ऊपर छापा डाला? मैडम पुरुष के बारे में सुनिए, 11 डेक है उस पे, 1000 कमरे हैं और 1600 से ज्यादा मेहमान थे उस समय, और साथ ही साथ वहाँ पर 650 का क्रूज में क्रू मेंबर थे, उनके बीच में जाकर 2 घंटे के अंदर 22 अधिकारी क्या छापा डाल के सारे लोगों को समझ सकते हैं? तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वो कहते हैं कि हमारे 2200 क्रूज के ऊपर थे, तो उन 22 लोगों का बोर्डिंग कार्ड पेश करें, वो बताएं कि वो 22 लोगों का जो पैसा था टिकट खरीदने का वो किस कहाँ से आया, वो पैसा कहाँ से जमा हुआ, कहाँ से वो टिकट खरीदा? एनसीबी कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो तो वो अगर उसको लगता है कि हम गलत बोल रहे हैं, हमारे खिलाफ कोर्ट पे जाएं, हमारे खिलाफ केस रजिस्टर करें, हम वहां पर जवाब देंगे। हम कोर्ट पे जाने वाले नहीं, हम लोग पॉलिटिकल पार्टी है और किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का हक राजनीतिक दलों का है, था और रहेगा, और इस हक को कोई हमसे छीन नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है सर, हो गया बस, नहीं करेंगे बस सर, दूसरों को बोलने का भी मौका दीजिए। विनोद जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, जो आरोप लग रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार पर तो केंद्र सरकार दबाव बनाना चाहती है, लेकिन ये भी कहा है नवाब मलिक ने कि बॉलीवुड पर भी दबाव बनाना चाहती है, ऐसा है क्या? अगर हाँ तो फिर इसके पीछे की वजह क्या है? बॉलीवुड पर दबाव बना के क्या हासिल करेंगे? नवाब मलिक को बॉलीवुड का कुछ लेन देन नहीं, शाहरुख खान का लड़का उसमें निकला, इसके लिए नवाब मलिक को ज्यादा अंदर लगी है। ये बात
समझ में नहीं आती क्यों शाहरुख खान का लड़का कौन लगता है इनका, उसको बचाने के लिए पूरे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर खड़ी हो रही है क्या? वहां पर पार्टी ग्रुप में चल रहे नहीं जी, पार्टी चल रही थी, ये बात सबने देखी है, कैमरा में देखी है, सबने देखी है, तो भी ये मानने को तैयार नहीं है। वहां पे सचे इंसान हुए, यहाँ पे छापेमारी में मिला है, बैंक मिला, चर्च मिला, वो सब मिला है वहां पर, वो भी ये मानने को तैयार नहीं है। जब आप इनके घर में जाती है तो लोग इनके पक्ष में काम करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, उसके खिलाफ में अगर कोई कार्रवाई करती है, कोई केंद्र की एजेंसी काम करती है, तो ये उनके खिलाफ ऐसा ही बोलना शुरू करते हैं। अरे इनके ऊपर कोई छापेमारी नहीं हुई, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये गलत काम करेंगे तो वो कार्रवाई जरूर होंगे, अगर वो नहीं की तो फिर बीजेपी अच्छी, केंद्र सरकार अच्छी, और इन्होंने कुछ गलत काम किया उनके ऊपर कार्रवाई हुई तो फिर केंद्र सरकार खराब है। गोवा के क्रूज का जो मामला है वो लगातार गर्माता जा रहा है। बताया भी जा रहा है कि मुंबई में एनसीबी के डिप्टी डीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने एनसीपी के आरोपों पर कहा है कि अगर इस मामले में एनसीपी अदालत जाना चाहती है तो वो जा सकती है और हम अदालत में जवाब देंगे। ब्रजमोहन जी क्या कहेंगे? एनसीबी अदालत से जाए कि हमने उनके ऊपर आरोप लगाया है और इससे उनकी छवि खराब हुई है, हम कोर्ट पे जवाब देंगे और वहां पे तथ्य पेश करेंगे। हम कोर्ट पे जाने वाले नहीं है, हम पॉलिटिकल पार्टी है और हम अपनी मैडम महाराष्ट्र सरकार की भी एक सेल है वो एंटी नार्कोटिक सेल कहलाती है। देखिए एंटी नार्कोटिक सेल लगातार नहीं, अगर आप लोगों को लगता है जो रेड थी फर्जी थी वहां पर गलत तरीके से ये तमाम चीजें की गई तो सर जाइए ना अदालत में। अदालत में जाने में क्या दिक्कत है आप लोगों को? हम क्यों जाए? वो जाए अदालत में, हम उनके आरोप लगा रहे हैं कि वो बेईमानी कर रहे हैं, लोगों से एक्सपेक्शन कर रहे हैं और इनलीगल लोगों को अपने साथ लेकर। अब तो रेड हुई, अब क्या करेंगे आप लोग बताइए? नहीं क्या करेंगे आप लोग? हम आरोप लगाते हैं, हम कोर्ट पे जाने वाले नहीं है, हमको जनता की अदालत में भारतीय जनता पार्टी की काम को नंगा बताएंगे कि सरकारों को गिराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग किस प्रकार से एजेंसी का उपयोग कर रहे हैं और इसको हम बताएंगे और खुल के बताएंगे। सर ज्ञानेश्वर सिंह ने तो ये भी कहा है, आप लोग कह रहे फर्जी है रेट, लेकिन ये तो मिले हुए हैं, एनसीबी मुंबई की टीम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल से ग्रीन गेट मुंबई और कॉडोलिया क्रूज पर छापा मारा था, कोकीन चरस एमडीएमए जैसे ड्रग्स के साथ 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। अगर ये फर्जी थी तो सर ये इतनी तमाम चीजें कैसे बरामद हो गई? हमको आरोप लगाने से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र उनको बदनाम करने के लिए उनका उपयोग किया। आप अदालत नहीं जाएंगे? आप एक सेकंड सर, आप अदालत नहीं जाएंगे ब्रजमोहन जी? क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे इस तरह से बयान देख के आगे क्या कहना चाहते हैं आप? बॉलीवुड का हितैषी बनना चाहते हैं, सिंपैथी हासिल करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? सुन लेते हैं विनोद जी, ऐसे नहीं ठीक है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल अपनी बात रखिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस मुल्क में नशा मुक्त भारत और भ्रष्टाचार प्रशासन की पक्षधर है, इस पर कोई कोताही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रशासन अधिकारी है तो मिलकर भारतीय खेलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, बगैर किसी कारण के लोगों को हराश कर रहे हैं। इस बात को उठाने का काम राजनीतिक दल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप मुझे बताइए। ठीक है विनोद जी, विनोद जी ऐसे पहली बार नहीं है सर जब आप लोगों पे इल्जाम लग रहे हो, इससे पहले भी इल्जाम लगते रहे हैं और न सिर्फ एनसीपी बल्कि तमाम और राजनीतिक पार्टी भी आरोप लगाती रही है कि सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती है केंद्र सरकार। क्यों बार बार इस तरह के आरोप क्यों लगते हैं अगर वो आरोप? विनोद जी काम करेंगे, छोटे धंधे करेंगे, छोटे कुछ यहाँ पर काम करेंगे तो कार्रवाई जरूर होगी और केंद्र की वो जांच एजेंसी कोई भी रहेगा आपको यहाँ के ऊपर, जरूर आपको कार्रवाई किया करेंगे। अगर आप गलत काम नहीं करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई का सवाल ही नहीं उठता।
मामला है तो पूरी तरह से ये मामले में राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पूरे देश के युवाओं का सवाल है वहां पर, पूरे देश के युवाओं की जिंदगी का और फ्यूचर का सवाल है, भविष्य का सवाल है। अगर उनका भविष्य ऐसे चरित्र और बिल्कुल नहीं, इस पूरे मामले में राजनीति करनी चाहिए, न ही सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करना चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ पक्ष विपक्ष में इतना ही, नमस्कार।